छवि और आज जो मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो है बॉडी पॉलिशिंग का। तो जो बॉडी पॉलिशिंग है उसको मैं दो भाग में डिवाइड की हूँ। फर्स्ट है स्क्रबिंग और सेकेंड है बॉडी जो पॉलिशिंग पैक है वो। तो जो बॉडी स्क्रबिंग है तो चलिए शुरू करते हैं उसको बनाना। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मुझे हमें लगेगा बॉडी पॉलिशिंग बनाने के लिए वो है कॉफ़ी। तो 1 स्पून के करीब में कॉफ़ी ले लेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको फुल बॉडी में स्क्रबिंग करना है तो आप कॉफ़ी ज़्यादा ले सकते हो। तो 1 स्पून कॉफ़ी लूँगी, 1 स्पून शुगर लूँगी, 1 स्पून हनी लूंगी, 1 ग्रीन टी का पैक मेरे पास ये है तो मैं अभी ये ले लूंगी और इसे मैं पूरा खोल के डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है वो अच्छे से अगर आप उसको रब करते हो तो आपके स्किन से बैड जो डेड स्किन होता है वो निकाल देता है। तो इसे आपको 5 मिनट्स के करीब में अपने स्किन पे अच्छे से स्मूथली हल्के हाथों से रब करना है। उसके बाद गीले टॉवल से पोंछ लो या फिर आप वॉश कर लो। अब इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप करना है, यह है बॉडी पॉलिशिंग का पैक बनाने का। तो इसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, उसमें आपको फर्स्ट जो लेना है वो है आंवला पाउडर। तो आपको 1 स्पून आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप चाहें तो 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून। जब सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइज पाउडर, ये भी मैं 1 स्पून लूँगी। ये जो पैक है इसको आप बना करके एटलीस्ट 3 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स, ये भी मैं 1 स्पून लूँगी। आप चाहो तो ओट्स को 2 स्पून कर सकते हो लेकिन मैं 1 स्पून ही लूँगी। अब जो ले रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी, ये भी मैं 1 स्पून लूँगी। और उसके बाद जो है मैं आप मतलब आप ये सोच लो कि आप इसे 2-3 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हो, उसके हिसाब से आप 2 स्पून 3 स्पून उसके हिसाब से ले सकते हो। अभी मैं सैंडलवुड पाउडर डाली हूँ। उसके बाद मैं अभी राइस फ्लावर डालूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, राइस फ्लावर मैं 2 लूंगी। अगर मैं सब कुछ 1-1 ली हूँ तो राइस फ्लावर मैं 2 स्पून लूंगी। उसके बाद मैं ग्रीन टी लूंगी, वो ग्रीन टी मैं एक सैसे ही लूंगी, एक ये 1 पैकेट ही लूंगी और इसे मैं खोल के इसके अंदर मिक्स कर लूंगी। ये बेस्ट पॉलिशिंग पैक मैं जो कि 1 पिंच के करीब में लेना है या फिर आप 1/2 स्पून ले सकते हो। तो मैं तकरीबन 1/2 स्पून भी नहीं लूंगी, 1/2 स्पून से थोड़ा कम ही लूंगी मैं। फिर अच्छे से मैं इसे मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे एक कांच के कंटेनर में स्टोर कर लूंगी। अब मैं 1 स्पून एक वो पैक लूंगी जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं कर्ड ली हूँ। कर्ड का आपको पानी नहीं लेना है, आपको ये ध्यान लेना है कि आपको कर्ड का पानी नहीं लेना है, आपको सिर्फ वो गठ जो दही होता है ना एकदम पानी के बगैर वो आपको लेना है। 1/2 नींबू आपको उसके अंदर निचोड़ना है। अगर आपको कर्ड नहीं सूट करता है तो आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। इस पेस्ट को आपको अपने बॉडी पे तकरीबन 7-10 मिनट्स के लिए रखना है। उसके बाद आप अच्छे से आप नहा सकते हो या फिर आप किसी गीले टॉवल से पोंछ सकते हो, मतलब आप अपने मर्जी। अच्छा, दूसरी बात, आप हाथ से या ब्रश से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको नीचे से ऊपर की तरफ पैक लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना है। मतलब अगर आप पैर में लगा रहे हो तो आपको अंगूठे से शुरू करना है और ऊपर तक आना है, ये नहीं कि ऊपर से आपको नीचे तक लेके जाना है। इसमें कोई आपको लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें बहुत फर्क होता है। आपकी स्किन ढीली नहीं होती, आपकी स्किन लूज नहीं होती है। फिर जब 7 मिनट्स हो जाता है तो गीला हाथ करके आपको पाम को हल्के हाथों से रब करते हुए
उसके बाद उसको आपको गीले टॉवेल से, या फिर आप मोस्टली ये नहाने जाओगे तभी आप लगाओगे, तो अच्छे से नहा के आप निकल जाओ। जब आप निकलते हो तो आपके पास ऑलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, तो आप उसको तब उसको अच्छे से मसाज करके छोड़ दें। ये पैक अपने मैं फेस के लिए रखी हूँ, मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मेरा